हाय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारी बी आर टेच एंड हिंदी वाघेला को और दबाइए बेल आइकन को ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बी आर टेच एंड हिंदी वाघेला। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं इस पैंट की स्टिचिंग, जो हमने पिछले वीडियो में इसी पैंट की कटिंग बताई थी और आज इस वीडियो में हम इसको स्टिचिंग बताएंगे। तो पहले हम आपको दिखा देते हैं कि हमने पैंट की स्टिचिंग किस तरह की है और कैसी हमारी पैंट की फिनिशिंग है। तो अब एक बार पैंट की फिनिशिंग देख ले, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया फिनिशिंग है। ये हमारा पॉकेट है, साइड पॉकेट, ये हमारी बैक पॉकेट। तो हम इसी पैंट की स्टिचिंग दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, हमारी वीडियो काफ़ी लंबे हो गए तो हमने अलग अलग पार्ट में इसकी स्टिचिंग बताई है। तो हमारे पूरे पार्ट ध्यान से देखना अगर आप स्टिचिंग सीखना चाहते हो। तो आप देख सकते हैं ये हमने कितना बढ़िया फिनिशिंग दिख रही है। आप भी इसी तरह की पेंट बनाना सीखना चाहते हो या कटिंग सीखना चाहते हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, हमने दोनों हिस्सों को सिलाई और बेल्ट अटैच कर लिया है। अब हम इस दोनों पार्ट को अटैच करेंगे। इस बेल्ट वाले हिस्से को हिस्से के अंदर हम इसको सीधा करके अंदर की ओर रखेंगे। अब हम इस दोनों सिलाई को मिला लेंगे, मिला के यहाँ से सिलाई लगाएंगे और जिप फिटिंग करेंगे। दोस्तों, इस नीचे फले वाले हिस्से पे ये चेन वाले हिस्से का थोड़ा सा हिस्सा अंदर की ओर रखें, जो इतना अंदर की ओर इस तरह रखें और इसके बाद सिलाई लगाएं। अब देख सकते हैं हमने किस तरह सिलाई लगाई है। तो इस तरह थोड़ा सा इसके अंदर की ओर रखें और इसके बाद इसको सही करके इस चेन को सिलाई लगा लें। इस सिलाई से करीब पाव इंच अंदर ये सिलाई रखें। चेन पे डबल सिलाई लगा ले।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने किस तरह से यहाँ अटैच कर ली है। कितना बढ़िया इसका राउंड आया है, तो आप भी इसी प्रकार चैन को अटैच कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे टाका लगा लीजिए ताकि इधर उधर चैन ना हो जाए। इसके बाद हम बेल्ट का हुक लगा लेंगे। तो इस बेल्ट को दोस्तों इस फलाई के कॉर्नर तक इस तरह रखें। इसके बाद एक हुक हम यहाँ लगाएंगे, दूसरा हुक यहाँ लगाएंगे, तो दो हुक हम यहाँ लगा लेंगे। तो चलिए हुक लगा लेते हैं। इसके बाद इस हुक के हिसाब से आप निशान लगा लें। इसके बाद जो पॉकेट का मुंह खुलता है यहाँ से हम अंदर बेल्ट के नीचे की ओर सिलाई लगा लेंगे। अब दोस्तों हम बैक साइड को फिटिंग करेंगे, तो इस हिस्से को इसके अंदर रखेंगे। और यहाँ से हम कमर नापेंगे, जो हमारी 31.5 इंच थी, तो इस हुक से हम कमर नापेंगे। तो कमर का 31.5 का आधा है 16.5, तो 16.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। इसी प्रकार इस साइड को भी
इस हुक से हम नापेंगे 16 इंच पे। हम मार्किंग करेंगे। और इस दोनों मार्किंग को हम मिला लेंगे। और पहले सिलाई लगा लेंगे। इतनी सिलाई लगा के देख लेंगे कि हमारी कमर बराबर है या नहीं, पूरी कमर नाप के देख लेंगे। तो हम इस हुक से नापेंगे। तो दोस्तों ये हमारे 31.5 कंप्लीट आ रही है, तो हम इसको अटैच कर लेंगे। तो हम यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। और इस निशान पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई दोस्तों सिलाई के ऊपर ही आनी चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए, वरना अच्छी नहीं दिखती सिलाई। फिनिशिंग भी थोड़ी गड़बड़ सी दिखती है, इसलिए सिलाई के ऊपर ही आनी चाहिए। अब देख सकते हो हमारा बैक की साइड इस तरह लगेगी। तो दोस्तों ये हमारी पैंट की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ मोरी बाकी है। तो मोरी हम आयरन करके इसको हाथ सिलाई लगा लेंगे, हाथों से सिलाई लगाएंगे। तो दोस्तों आपको हाथों की सिलाई लगानी नहीं आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो हम वो भी आपको दिखाएंगे किस तरह हाथों से सिलाई लगती है बैंड के बोटम में। तो इसके बारे में भी हम वीडियो बना के अपलोड ज़रूर करेंगे। अगर आपको सीखनी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, मोरी के हिसाब से तरह मोड़ के आयरन से। और इस तरह आयरन से इसको अटैच करके हम हाथ से सिलाई ले लेंगे। तो आप भी इसी प्रकार कर लीजिएगा। तो दोस्तों हमारी पैंट की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको स्टिचिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सॉल्यूशन बताने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और हाँ दोस्तों, हम इस बेल्ट पॉकेट को
यहाँ पे अटैच कर लेंगे इस तरह से। ताकि हमारा बेल्ट पॉकेट ऊपर खींच के चला ना आए। तो दोस्तों ये हमारी पैंट की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है स्टिचिंग में या कटिंग में तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम इसका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करेंगे और हो सकेंगे तो हम इसके बारे में वीडियो भी ज़रूर बनाएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो बस यही तक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत।